नमस्कार, मिलेट रेसिपी सीरीज में आप सबका स्वागत है। आप सबको तो पता ही है कि मैजिकल मिलेट्स ये सेहत के लिए बहुत अच्छे होते हैं। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स, कैल्शियम, प्रोटीन, आयरन, डाइट्री फाइबर बहुत ज़्यादा पैमाने पे होता है। और हमारे ये सब मिलेट्स ये गो आधारित खेती से उगाए हुए हैं। मिलेट्स की मैजिकल और मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ को देखकर 2023 साल जो आने वाला है वो इंटरनेशनल मिलेट ईयर डिक्लेयर किया है। हमारे सब मिलेट्स वो ऑर्गेनिक है। हमारे मिलेट्स मशीन पॉलिश्ड बिल्कुल नहीं है। शर्वाय नेचुरल्स ISO सर्टिफाइड भी है। आप सबको तो पता है लिटिल मिलेट्स, ब्राउन टॉप मिलेट, फॉक्सटेल मिलेट, कोडो मिलेट, बानियार्ड मिलेट, ये सब पॉजिटिव मिलेट्स हैं। आप सबको तो पता है ये सब मिलेट्स हमको भिगो के मतलब सोख के खाने चाहिए। हमने मिलेट को भिगा कर बहुत सारे उत्पादन बनाए, जैसे कि पोहा, उपमा रवा, इडली रवा, नूडल्स। तो मैं आज से ये सीरीज में आपको एक एक रेसिपी बनाना सिखाने वाली हूँ। तो चलो आज हम देखते हैं मिलेट पोहा की बहुत ही टेस्टी रेसिपी हम कैसे बनाएं। कौन से भी एक प्रकार के पॉजिटिव मिलेट के फ्लेक्स ले लो और उनको अच्छी तरह से सेक लो। और सेकना भी हमको लोहे की कढ़ाई ले लो, ना कि ऑल एल्यूमिनियम या नॉन स्टिक की। सेके हुए गरम पोहे बाजू में रख दो। हमको लगने वाले हैं करी पत्ता, सेंगदाने, हरी मिर्च। अब हम लोहे की कढ़ाई में कच्ची घाने का मतलब कोल्ड प्रेस ऑयल लेंगे, कौन सा भी ले लो, और इसमें ये अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे। हरी मिर्च, सेंगदाने, फिर करी लीव्स, थोड़ी सी राई, जीरा, फिर थोड़ा सा हींग। मिर्च के बदले लाल मिर्च के पाउडर भी डाल सकते हैं। थोड़ी सी हल्दी और राई को अच्छी तरह से फूटने दो और उसके बाद वो पोहा डाल दो। जो पोहा हमने सेक के बाजू में रख दिया था वो ये तड़के में डाल दो और अच्छी तरह से हिलाओ। तो देख लो आपका जो पोहा आप बना रहे थे वो बहुत अच्छा, टेस्टी और बहुत जल्दी बन गया है। आप इसमें थोड़े किशमिश डाल सकते हो, वो भी हमारे नेचुरल फार्मिंग के से ही होते हैं, नेचुरल फार्मर से ही हम लेते हैं। थोड़ी लाल मिर्च भी हमने ऊपर से डाली है। आप थोड़े काजू भी टेस्ट के लिए डाल सकते हो। फिर आपके टेस्ट के हिसाब से आप नमक डाल सकते हो, ड्राई कोकोनट फ्लेक्स डाल सकते हो। कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और ज़रूर फीडबैक दीजिएगा। आभारी हूँ।